हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज एक नए व्लॉग में। लास्ट वीडियो में काफी लोगों ने मुझे बोला था कि आप ओला का टेस्ट ड्राइव करें तो दो लोगों को बिठा के करें, तो दो सवारियों के बाद में ओला की कितनी रेंज निकल के आती है स्कूटर की, तो उसका आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। अभी आप देखें तो ओला का स्कूटर जो है 100% बैटरी दिखा रहा है, तो 100% बैटरी में कितना आज चलेगा दो लोगों की सवारी के साथ में, ये हम आपको अभी आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, और आज की राइडिंग हम आपको दिखाएंगे जयपुर शहर का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं और आज राइड का एंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी आज की राइड हम शुरू करते हैं यहाँ से। अभी हमें हल्दीघाटी रोड पर प्रताप नगर में, और यहाँ से अभी जाएंगे आमेर और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ पर भी आप इसको ऊंचाई पर भी लेकर जाते हैं, दो लोग साथ में बैठकर जाएंगे, तो ये कितनी रेंज निकालता है ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर आज आपको दिखाएंगे। अभी राइड टाइम हो रहा है 3:29, 128 किलोमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी शो कर रहा है हमारा स्कूटर। और अगर बात करें 94% बैटरी है, 8 किलोमीटर आज हमने कवर कर लिया है इससे, 128 मतलब अराउंड 135 किलोमीटर के आसपास बैटरी शो करती है, 8 किलोमीटर कवर हो चुका है। और अब हम जाएंगे, 3:30 बज रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे आमेर के लिए। तो देखते हैं रास्ते का पूरा एंजॉय करें और आपको रास्ते में दिखाएंगे हम दो लोग बैठकर इस पर किस स्पीड पर चलते हैं और कितनी एवरेज निकल के आती है इस बैटरी की। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। अभी हम आ गए हैं सांगानेर थाना, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट वाला, वहाँ पर आ गए हैं। बैटरी दिखा रही है 126 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हम यहाँ से आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा है। अभी आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। बाईपास आ चुके हैं, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है हमने, 124 किलोमीटर बैटरी शो कर रही है अभी। चलते हैं आगे। अभी आ गए हैं दुर्गापुरा पुलिया के ऊपर, पुलिया के पास में है, और आप देखें यहाँ पर ये पुलिया के ऊपर भी आराम से 40 की स्पीड पे अगर हम इसको चढ़ाएंगे तो आराम से चढ़ जाएगी पुलिया के ऊपर भी आपको। अभी हमने दो सवारियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, और दो सवारियों के बाद में कोई इशू नहीं है, आराम से इजी वे में पुलिया के ऊपर चढ़ जाएगी ये। आप देखें हम दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी पुलिया से उतर चुके हैं वापस, दुर्गापुरा पुलिया से नीचे उतर चुके हैं, और अभी हम गोपालपुरा की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर एक एथर का शोरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इधर, अगर किसी राइड को एथर की चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं आराम से। ये भाई देखें, इधर एथर का स्कूटर है। तो भाई अभी आ गए लालकोठी, करीब 11 किलोमीटर ये स्कूटर चलाया है और 118 किलोमीटर बैटरी दिखा रही है अभी, और ये है लालकोठी एरिया। अभी चलते हैं आगे और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और 116 किलोमीटर की बैटरी बची है, 12 किलोमीटर हम रनिंग कर चुके हैं। आगे का वीडियो दिखाते हैं, बने रहें वीडियो में आखिरी तक, जिससे कि आपको पूरी टेस्ट रेंज मिले। दो लोग बैठे हैं इस पर, दो लोगों के साथ में ओला कितनी रेंज देती है ये देखते हैं। तो भाई राइट नाउ अभी अजमेरी गेट आ गए हैं, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 114 किलोमीटर बैटरी दिखा रही है। ये है अजमेरी गेट जयपुर का, टाइम बज रहा है, टाइम हो रहा है 4:01। तो गाइस जब भी आ चुके हैं जौहरी बाज़ार, और आज यहाँ पर पूरा मकर संक्रांति वाला माहौल है। आप देखें लोग घरों की छतों पर पतंगों के लिए पतंग उड़ाते हुए लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ का व्यू देखें आप इधर, ये लोग फुल पतंगबाजी हो रही है यहाँ पर। तो
मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हवा महल का ब्यूटीफुल नज़ारा। तो भाई अभी 112 किलोमीटर बैटरी बच रही है, 17 किलोमीटर हम आ चुके हैं यहाँ पर। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं हवा महल का ब्यूटीफुल नज़ारा, लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो भाई अभी आ गए हैं जल महल के पास में बिल्कुल, और 109 किलोमीटर की बैटरी दिखा रही है। 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो आप देखें तो हम जब चले थे उस टाइम 129 किलोमीटर बैटरी दिखा रही थी, तो जितनी बैटरी शो कर रही है उतना ही नहीं अभी तक तो स्कूटर चला है। तो आगे तक देखते हैं कितना क्या और चलता है, बने रहे वीडियो में। तो 8 किलोमीटर की बैटरी बची हुई है यहाँ पर अभी, और करीब 20 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं फाइनल। अभी आपको दिखाते हैं आगे, स्कूटर रोकेंगे जब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पतंगबाजी का माहौल कैसा हो रहा है अभी। रोड पर जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, और आप देखेंगे यहाँ पर भी अगर हमारी जो स्कूटी है दो लोगों को लेकर नॉर्मल मोड पर बड़ी स्मूथली चलेगी, आराम से कोई इशू नहीं आएगा आपको। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों पर, तो आप देखें स्कूटी की स्पीड देखें, नॉर्मल मोड है और आराम से इस वे में चल रही है। चढ़ाई पर ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है नारगढ़ की चढ़ाई, और अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर ओला का स्कूटर कैसा परफॉर्मेंस करता है। आराम से आपको 40-50 की स्पीड आराम से एजीवे में नॉर्मल मोड पर आपको दिखाएंगे हम। काफ़ी ज़्यादा मोड़ हैं, घुमावदार रोड है, जिसकी वजह से स्पीड प्रॉपर बन नहीं पाती है यहाँ पर। ये देखें पिकअप देखें आप स्कूटर का, बारे में पूरी चीज़ पासवर्ड से चलती है। हाँ है, चाबी नहीं है इसमें, चाबी नहीं होती है तो भैया चार्ज। ये हमारे जयेश भाई जी मिले हैं हमको यहाँ पर नारगढ़ रोड पर, और अभी हम यहाँ पर कुछ अपने ओला एसएमएस प्रो के बारे में भाई को बता रहे हैं। काफी अच्छा है, दिखने में बड़ी प्यारी है। छः महीने तक पासवर्ड की जून के बाद में इनका एप्लीकेशन वर्क करेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे इतने सारे भाई लोग थे, यहाँ इतने सारे भाई लोग थे, इनको अपनी गाड़ी पसंद आ गई तो ये देखने के लिए आ गए। अभी नारगढ़ रोड पर हैं, और यहाँ का व्यू देखें आप, अल्टीमेट व्यू आ रहा है। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, कूल मौसम हो रहा है, और यहाँ पर अभी हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, हमारी ब्लू परी। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कितने किलोमीटर चल चुकी है ब्लू परी आज हमारी। चार बजकर 44 मिनट हो रहे हैं, 101 किलोमीटर की बैटरी दिखा रखी है, 392 किलोमीटर ऑल टाइम चल चुके हैं। और अगर बात करें तो आज हमने 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। हिल पॉइंट पर हम जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत एवरेज में फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर भी आपको दिखाएंगे लास्ट में कि क्या एवरेज रहती है, कितने किलोमीटर आज ये बैटरी कवर करती है। तो लास्ट तो फाइनल मालूम चलेगा बाद में। अभी चलते हैं हम नाहरगढ़ किले की तरफ, और फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल जब बैटरी पहुँचेगी तब हम आपको पूरा दिखाएँगे। नाहरगढ़ की चढ़ाई आप देखें यहाँ पर, और आराम से स्मूथली चल रही है गाड़ी, 37-40। अभी हम ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं रहे हैं इसको, बाकी नॉर्मल मोड में चल जाती है, आपको ऐसा इशू नहीं है कि आपको हाइपर मोड एक्टिव करना पड़े। यहाँ पर आप इसको नॉर्मल मोड पर भी चला सकते हैं आराम से। व्यू देखें आप यहाँ का नाहरगढ़ का,
बहुत तगड़ा जाम था। सामने आप देखें नाहरगढ़ का किला आ चुका है और 93 किलोमीटर की बैटरी बची हुई है। काफ़ी ज़्यादा हाइप था, चढ़ाई था, तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बैटरी ऊपर नीचे हो सकती है कम ज़्यादा। तो अभी आपको दिखाते हैं और आगे का व्यू। अभी हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि हम चले थे प्रताप नगर से, और नाहरगढ़ फोर्ट आ चुके हैं। बैटरी बच रही है 91 किलोमीटर, अराउंड 35-40 किलोमीटर के आसपास हम आ गए होंगे। तो अभी पता नहीं एग्जैक्ट कितने किलोमीटर है, तो अभी चलते हैं फोर्ट के अंदर और देखते हैं एंट्री वगैरह होती है नहीं होती है, क्या है, क्या सीन है एंट्री का। साढ़े पाँच बजे एंट्री है लास्ट, 5:24 हो गए हैं किले में अंदर जाते हैं नाहरगढ़ किले में, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। और 91 किलोमीटर की बैटरी बची हुई है यहाँ पर, अभी 398 किलोमीटर टोटल स्कूटी हमारी चल चुकी है। तो भाई अभी नाहरगढ़ फोर्ट आ चुके हैं और यहाँ का व्यू देखें। आप देखें अभी 65% बैटरी बच रही है और अभी हम नाहरगढ़ से वापस निकल रहे हैं। 90 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 38 किलोमीटर हम आ चुके हैं वहाँ से। अब देखते हैं कि टोटल रेंज कितनी दिखाता है, तो इस वीडियो में अब आपको दिखाएंगे हम आगे का व्यू। नाहरगढ़ से वापस जा रहे हैं, रात भी हो चुकी है, करीब 6:30 बज रहे हैं, तो अभी निकलते हैं आगे। ओला स्कूटर की लाइट सिस्टम की अगर बात करें तो लाइटिंग सिस्टम ठीक है, काफ़ी अच्छी रोशनी प्रोवाइड करा देता है। और अभी आप देख रहे हैं सामने काफ़ी ठीक ठाक रोशनी है। अभी वापस से आ गए हैं जल महल और करीब 82 किलोमीटर बैटरी बची हुई है अभी स्कूटर में, और देखते हैं अभी वापस से पहुंचेंगे, थोड़ा इधर उधर और घूमते हैं जिससे कि पूरी बैटरी कवरेज हो जाए और आपको दिखा पाएं लास्ट तक का फुल वीडियो कि आपको कितनी रेंज मिल सकती है। दो अगर आप दो पैसेंजर बैठ रहे हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तो फाइनल रेंज क्या आती है वो अभी आप देखें वीडियो में, बने रहें। किलोमीटर के आसपास आज की रनिंग हो चुकी है, 75 किलोमीटर बैटरी बच रही है। आप सामने देखें हवा महल का व्यू, शानदार बाइकिंग हो रही है यहाँ पर। अल्बर्ट हॉल आ चुके हैं, स्कूटर में जो बैटरी दिखा रही है 73 किलोमीटर दिखा रही है अभी, और ये सामने का व्यू है अल्बर्ट हॉल का नाइट व्यू, मकर संक्रांति के दिन देखें अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं JLN मार्ग पर और यहाँ से अभी नॉन स्टॉप चलेंगे सीधे प्रताप नगर के लिए। 10% बैटरी बची है, 70 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 58 किलोमीटर हम कर चुके हैं डिस्टेंस कवर। 8:00 का टाइम हो चुका है, 15 मिनट और लगेगी पहुँचने में, फिर आपको दिखाते हैं इसकी एक्चुअल रेंज कितनी आती है।
तो ये आप देखें 48 किलोमीटर की बैटरी बची हुई है इसमें 33% और 79 किलोमीटर आज हमने डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज दिखा रही है, जिसमें से अगर हम माने कि लास्ट का 15 किलोमीटर नहीं भी चल पाएगा तो करीब 105 किलोमीटर आप राइड कर सकते हैं दो लोगों के साथ में। और आज हम हिल स्टेशन गए थे जिसकी वजह से थोड़ा 5-10 किलोमीटर की रेंज का इफ़ेक्ट आ सकता है। तो अगर आप हिल स्टेशन भी जा रहे हैं तो आप मान के चलें आराम से आप 100 किलोमीटर की राइड दो लोगों के साथ में कर सकते हैं इस पर। तो गाइस अभी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ऑलरेडी करीब 8:41 हो चुके हैं और सर्दी बहुत है बाहर, तो अभी हम इससे ज़्यादा राइड नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी हम आज की राइड यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट राइड में, और आपको बताएंगे कि ये ओला स्कूटर आप चार्जिंग करते हैं तो आपका कितना यूनिट टोटल खर्च होता है, ये पूरा अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये ओला के संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।